अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक वीडियो लेके आई हूँ। मैंने अपनी एक कस्टमाइज बेस बनाई हुई है और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी, और आप लोगों को उस वीडियो के ऊपर प्रॉपर जो है वो मैंने डेमो भी दिया हुआ है कि किस टाइप की स्किन पे आप लोग इस बेस को जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता, आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं, तो उसके लिए जो है हम लोगों को एक पावरफुल HD बेस चाहिए जो आप लोगों की ब्राइट्स के भी सूट करे, हर टाइप की स्किन के सूट करे। और दूसरे नंबर पे ये कि आप लोगों की जो स्किन है, अक्सर जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उसका ये इशू होता है कि मुझे तो कोई बेस सूट करती नहीं है या मेरे फेस पे कोई बेस टिकती नहीं है, तो उसके लिए कोई बेस बताएं ताकि HD भी हो, फुल कवरेज भी हो और प्रॉपर एक अच्छी लुक भी दे आप लोगों को, शाइनी भी लगे और फ्लॉलेस भी लगे। तो ये एक मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ था, एक कस्टमाइज मेरी अपनी बनाई हुई बेस है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी इसका प्रॉपर मेथड। यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोगों ने कौन सी बेस लेनी है, ये इजी बेस है मेरे पास जो कि मैं यूज करती हूँ, शेफर की इजी बेस आप लोगों ने ले लेनी है 45 नंबर। और ये स्किन टोन है मेरी, इस तरह की स्किन के ऊपर ये बिल्कुल 45 नंबर जो है वो बेस्ट है। तो आप लोगों ने अपनी स्किन टोन के हिसाब से बेस लेनी है। डार्क कलर है या मुझसे थोड़ा सा और फेयर है तो आपने किस तरह की लेनी है, आपने थोड़ा सा लाइटर शेड की तरफ चले जाएं, आइवरी की तरफ चले जाएं, तो ये मेरे पास 45 नंबर है जो कि मैं अपनी स्किन टोन पे या मेरे टाइप की जो स्किन टोन है उसके ऊपर मैं यूज करती हूँ। तो शेफर की बेस लें, उसके बाद ये नॉर्मली शेफर की बेस जो 45 नंबर है ये हर स्किन पे ही सूट करती है, हर स्किन पे चली जाती है, इसका मिक्स एंड मैच बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये मेरे पास HD मैट जो है, मैक की बेस है, मैट है ये, और इसका नंबर जो है A83 NC 15। ये इसका नंबर है। और मोस्टली मैं इसको इस बेस में मिक्स करके यूज़ करती हूँ या फिर मैं इस वाली मैक को यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा डार्क शेड है मेरे पास, ये A38 नंबर है, ये A38 NC 20 है, ये थोड़ा सा डार्क शेड है। अगर मुझे थोड़ी सी लाइट शेड में चाहिए तो मैं ये वाली मिक्स करती हूँ, ये थोड़ा सा जो है ये लाइट है, बल्कि ये डार्क है, सॉरी ये डार्क है NC 20 और ये जो लाइट है। तो मैं मोस्टली अगर फ्लॉलेस दिखाना है, थोड़ा सा लाइटर शेड किसी को चाहिए या मुझे भी कभी लाइटर शेड पसंद होता है, जैसे कि हम लोग वलीमे की ब्राइट को थोड़ा सा लाइटर शेड लगाते हैं ताकि वो बिल्कुल एक फ्रेश लुक में ब्राइट लगे, तो उसके लिए ये नंबर A83 NC 15 ये नंबर बहुत बेस्ट है। तो इसको हम लोगों ने मिक्स करना है, किस तरह से करना है और फ्लॉलेस बेस दिखानी है वो कैसे, तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और ये मेरे पास जी 01 नंबर है इसका, फेस इट का ये हाइलाइटर जो कि मैं बहुत यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत सस्ता भी है, 250 तक का ये जो है आता है और बहुत जबरदस्त। तो इसको हम लोग मिक्स करते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने इस बेस को लेना है, ये मेरे पास शेफर की 45 नंबर है, इसमें मैं ये वाली मैक की HD जो है फाउंडेशन मिक्स करूंगी। 1 से 2 पंप आप लोगों ने ले लेने हैं। आप लोगों ने इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम रखनी है, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, हाफ इसकी तो हाफ इसकी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें हाइलाइटर ऐड करूंगी, ये देखें ये हाइलाइटर है, इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड करूंगी। इसको ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसकी जो मिक्सिंग है वो इस वाले ब्रश के साथ बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि दोनों जो फाउंडेशन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह आपने इसको मिक्स करने के बाद ये बहुत फ्लॉलेस लगेगी। जो आप लोगों को, आप लोगों की कोई भी स्किन है तो उसके ऊपर आप ये लगाएं तो आपको HD बेस मिलेगी। इस तरह करके आप लोगों ने इसको जो है वो लगा लेना है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब आप लोगों ने ये ले लेना है स्पंज, ये देखिए इस तरह का स्पंज लेना है और आपने इस तरह करके आपने इसको बहुत अच्छे से जज्ब करना है, आपने इसको बहुत अच्छे से, इसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए आपको जो ब्लेंडिंग है वो भी, इसकी जो ब्लेंडिंग है वो भी
बेस जो आप ब्लेंड करते हो उसको भी बड़ा अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, जिस तरह आप लोग आई शेडो को ब्लेंड करती हो, मिक्स करती हो, तो ये भी एक अच्छी जो है इसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अब इसके ऊपर जो है ये बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करने के बाद जनाब, बहुत अच्छा, जब जब तक आप इसको बहुत अच्छा ब्लेंड करोगे तो ये उतनी ही फ्लॉलेस चमकदार आपको फाउंडेशन मिलेगी। इसके ऊपर आप लोगों ने अब पाउडर करना है। पाउडर जो है वो मैं क्रिस्टीन का यूज़ करती हूँ, ये वाला क्रिस्टीन का पाउडर यूज़ करती हूँ। ये आइवरी है, 321 इसका नंबर है, आइवरी 321 इसका नंबर है। तो इसको जो है मैंने इस में ये इस तरह डाल के रखा हुआ, ये इस तरह का आप लोगों ने स्पंज लेना है और इसको जो है वो मिक्स करना है, किस तरह से करके ऐसे। आप इसको जो है वो यहाँ पे जो है आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो। यहाँ पे जी जो है फाउंडेशन बन चुकी है और जो है वो मैंने फाउंडेशन को अच्छे तरह से लगा के इसके ऊपर पाउडर किया है, फिक्स किया है। और ये जो बेस है ये मैंने कस्टमाइज जो बेस बनाई है, इसकी वीडियोस जो है प्रॉपर मैंने आप लोगों को स्किन के ऊपर भी करके दिखाई है, फ्रेकल वाली स्किन पे भी करके दिखाई है, तो वो लोग वहां पे जाके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को लाइव ये करके दिखाना था, एक तो फॉर्मूला जिसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कौन सी चीज किस में मिक्स की है, तो वो भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है कि किस तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें, बिल्कुल भी ये जो है आपकी बिल्कुल भी आपकी ये जो बेस है बिल्कुल आपकी खराब नहीं होगी, अब जितना मर्जी पसीना आए जो भी हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव इसका जो है ये करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखिए, ये पानी इस तरह करके मैंने इसको पानी में डिप किया है, तो ये आपकी बेस है, बिल्कुल भी जो है ये गिरेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को इस तरह पसीना आता है तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे जो है इसको अच्छे से जो है ये आपने इसको किसी टिश्यू के साथ इसको प्रेस करना है, या आप लोग किसी स्पंज की मदद से कर सकते हो, इसके साथ भी आप लोग इसको जो है कर सकते हो, ताकि आप लोगों की बेस जो है वो खराब ना हो। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास इस तरह करके आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो प्रेस कर लेना है। अगर आपको इस तरह पसीना आता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने ये स्पंज तो अपने बैग में नहीं रखा होगा, तो आप लोग जो है वो टिश्यू के साथ इसको प्रेस करके, प्रेस प्रेस करके इस तरह करके आप लोगों ने जो है इसको साफ कर लेना है, तो ये आपकी बेस जो है वो कहीं नहीं जाएगी। ये देखें, ये मेरी स्किन टोन और इसके ऊपर जो मैंने बेस लगाई है वो ये है। तो जनाब ये थी आज की मेरी वीडियो, और वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, और जो न्यू है मेरे सब्सक्राइबर तो वो लाजमी तौर पे जो है वो घंटी को भी बजा दिया करे, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो उनको मिलती रहे। और बाकी जो है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है फ्रैकल वाली स्किन के ऊपर भी, वो लोग आप लोग जाके वो मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कीप वॉचिंग।